जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपके ईमेल के नीचे किए गए आपके सिग्नेचर उस ईमेल को और भी ज्यादा प्रभावशाली और प्रोफेशनल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट में अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं और अपने ईमेल को और भी प्रभावशाली और प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके बहुत काम आने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा जीमेल अकाउंट है और जब भी हम यहाँ पर किसी को नया ईमेल भेजते हैं तो यहाँ पर पहले से जो हमारे सिग्नेचर हैं वो मौजूद रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक इमेज रहती है और उसके नीचे वेबसाइट का लिंक रहता है और वहाँ पर नाम रहता है। तो ये जो सिग्नेचर हैं ये आपके ईमेल को एक प्रोफेशनल लुक देते हैं। अब ये सिग्नेचर कैसे ऐड किया जाता है आपके जीमेल अकाउंट में, ये भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग के बटन पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जनरल टैब में नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर अभी नो सिग्नेचर लिखा हुआ है, आपको अगर सिग्नेचर ऐड करने हैं तो ये दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगाना होगा और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर टाइप करने होंगे। अब सिग्नेचर में आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, आप अपना नाम रख सकते हैं, आप अपना एड्रेस रख सकते हैं और अगर आप कोई वेबसाइट या कोई बिजनेस करते हैं तो उसका पूरा पता या उसके वेबसाइट्स के लिंक भी यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा आप अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के एड्रेस भी यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। तो ये जो सिग्नेचर हैं, अगर आप यहाँ पर एडिट करना चाहें तो यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमएस वर्ड में तैयार कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ऐड करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नाम और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का पता लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप ये जो नाम है इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना चाहते हैं या बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमने नाम लिखा और उसके बाद हमने फॉन्ट चेंज किए। अब जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है उसको आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको लिंक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा और जाना होगा इस बटन पर। इस बटन पर क्लिक करते ही जो आपका एड्रेस है वो एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और जिस व्यक्ति के पास ये ईमेल जाएगा और वो यदि इस लिंक पर क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमेल के साथ में कोई इमेज भी अपलोड होकर जाए तो आप उसको यहाँ से अटैच करा सकते हैं। इसके लिए आप इस बटन पर क्लिक कीजिए, अपलोड के ऑप्शन पर जाइए और यहाँ से कोई भी इमेज यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। यह आपके वेबसाइट का लोगो भी हो सकता है या आपके बिजनेस का लोगो भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब इसका साइज़ आप यहाँ नीचे दिया गया है, अपने हिसाब से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सिग्नेचर्स को एडिट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन उन सिग्नेचर्स को एडिट करें आराम से और उसके बाद में यहाँ पर उनको पेस्ट करें, तो आप एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर कोई भी अपने ईमेल सिग्नेचर्स डिज़ाइन कर लीजिए, उनको यहाँ से कॉपी कीजिए और अपने एमएस वर्ड के सिग्नेचर वाले ऑप्शन में जाके पेस्ट कर दीजिए। इतना सब करने के बाद में नीचे जाइए और उसको सेव चेंज कीजिए। इसके बाद जब भी आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजेंगे तो आपके ईमेल के नीचे आपके जो सिग्नेचर हैं वो मौजूद रहेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। और हमारी वेबसाइट www.mybiggadget.com को देखना ना भूलिए, क्योंकि आपको वहां पर मिलने वाले हैं ढेर सारे कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।